दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। हमारा लक्ष्य है कि हम आपको शिक्षक के एक गरिमामयी पद पर कार्य करता हुआ अतिशीघ्र देखें, और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपके लिए लगातार मॉक टेस्ट भी लेकर आ रहे हैं। दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट होगा वो जूनियर लेवल पर साइंस सोशल साइंस के अंतर्गत होगा। आपको पता होगा कि जूनियर लेवल पर जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जो चौथा पार्ट होता है उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं और ये सोशल साइंस पर बेस्ड होता है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड के होते हैं उन्हें साइंस के प्रश्नों को हल करना होता है 60 क्वेश्चंस को, और जो लोग आर्ट बैकग्राउंड के होते हैं उन्हें सोशल साइंस के प्रश्नों को हल करना होता है। तो दोस्तों आज का मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा देखना, इसे स्किप बिल्कुल मत करना। और जो लोग इस मॉक टेस्ट को जरा जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं उनको मैं एक आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर आपको तीन डॉट जो दिखाई दे रहे हैं जब आप टच करेंगे, इसको जब आप टच करोगे तो नीचे वीडियो की स्पीड दिखाई देगी, वहाँ पर लिखा होगा नॉर्मल, तो उसको आप लोग 1.25 पे अगर सेट कर दोगे तो ये जो टेस्ट होगा ये और भी कम समय में आप कंप्लीट कर लोगे, पूरा टेस्ट भी आ जाएगा और इसे आप कंप्लीट देख भी सकोगे। ठीक है, तो ये ट्रिक होता है वीडियो को जल्दी कंप्लीट करने का। फिलहाल यूपी टेट और सी टेट मॉडल पेपर 17 है, सोलर मॉडल पेपर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब का बटन जो नीचे दिख रहा है उसको प्रेस कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी मॉक टेस्ट हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस लेक्चर की PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, सर्च करना स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार कौन सा है? ऑब्वियस है इसका आंसर, आपको पता होगा। सही जवाब है बांस, ऑप्शन सी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बांस घास की ही एक प्रजाति होती है, ये सबसे ऊंची और सबसे मोटी प्रजाति मानी जाती है घास की, बांस। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? देखो इसमें सभी नदियां काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए इसके बारे में कुछ भी श्योर नहीं होता है। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर करते हैं उसके बाद व्याख्या देखते हैं। तो किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ये नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के बारे में जान लीजिए, इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र जो है ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। आसाम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, लेकिन जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे कहा जाता है क्या? जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना। और ब्रह्मपुत्र तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है, यानी कि तीन देशों में बहती है। और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से। तो इतनी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप याद रखना। उसके बाद आता है ब्यास, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों ब्यास नदी जो है ये रोहतांग दर्रे से उद्गमित होती है और इसी के किनारे हिमाचल प्रदेश भी बसा हुआ है। रावी नदी के बारे में भी जानना चाहिए आपको, रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? तो ये चंबा से निकलती है। और झेलम नदी का वास्तविक नाम बितस्ता है, कश्मीर में शेषनाग झील से इसका उद्गम है। तो ऑप्शन बी इज योर, सॉरी, ये चारों विकल्प हमने देखे और ऑप्शन ए के बारे में हमने जान लिया कि किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है और इसका जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में है। कभी तिब्बत भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। फिलहाल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, ये असम में स्थित है, याद रखना इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मरुस्थली भवन, भवन का मतलब यहाँ पर बिल्डिंग से नहीं होगा, मरुस्थली भवन यानी कि मरुस्थलीकरण जो होता है, जो मरुस्थल का फैलाव होता है उसको कैसे आप रोक सकते हो? तो अकॉर्डिंग टू NCERT बुक क्लास 8 इसका सही जवाब होगा अतिचारण। अतिचारण को रोक कर हम मरुस्थलीकरण का जो प्रभाव है उसको रोक सकते हैं। ठीक है, देवी माता की पूजा संबंधित थी किस काल से? आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरी सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? और दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, ये है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित है। बंद गोभी का खाद्य अंश कौन होता है? बंद गोभी जो होती है उसका कौन सा हिस्सा आप खाते हो? तो देखो उसका फल नहीं खाया जाता, संगणित पुष्प भी नहीं खाए जाते, पुष्प समूह भी नहीं, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, काई कलिका को खाया जाता है बंद गोभी का। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबद्ध होते हैं? पादप माने पौधे में कौन सी क्रियाएं रात में होती हैं? क्वेश्चन का जो है सिंप्लीफाइड वे में जानना जरूरी हो जाता है।
तो यहाँ पर जो सही जवाब है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सही जवाब इसका क्या है, 147 का गेस करो, और सही आंसर है ऑप्शन डी, चालन और श्वसन। एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ये बताओ। जो एमआरआई मशीन होती है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन है 148। और इसमें मैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं यानी कि चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस की लड़ाई कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों इसे कहा जाता है हाइडे स्पीसीज का युद्ध, और ये कब हुआ था, ये मई के महीने में हुआ था। किस सन में हुआ था, तो ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जवाब आपको निश्चित रूप से पता होगा कि हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में लड़ी गई थी, और ये लड़ाई कब हुई थी, तो ये 18 जून को हुई थी। कौन सा वर्ष था, तो दोस्तों ये 1576 में हुई थी लड़ाई, ठीक है। और इस युद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें न अकबर जीता न महाराणा हारे। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकबर को एक उदार शासक भी माना जाता है, दीने इलाही धर्म भी अकबर ने ही चलाया था, और बदायूनी इसीलिए उसे इस्लाम का शत्रु मानता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सही जवाब आपको पता होना चाहिए। सही जवाब अगर आप चुनते हो यहाँ पर 1556 तो गलत हो जाएगा, 1565 भी गलत होगा, और 1670 भी गलत होगा, ऑप्शन होगा 1560। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जवाब है इसका ऑप्शन डी, दैट इज इंडिका। किस उभयलिंगी पशु में पर्ण निषेचन किया जाता है, देखो यहाँ पर पशु के बारे में बात हो रही है, जानवर के बारे में, तो उभयलिंगी है, तो उभयलिंगी का मतलब होता है कि उसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों ही होते हैं, लेकिन फिर भी जब वो निषेचन करते हैं तो उसमें दो जीव अलग अलग उसकी नीड होती है, तो ये जानवर है केचुआ, ऑप्शन सी, ठीक है। ब्लब्बर क्या होता है बताओ, ब्लब्बर क्या होता है, तो 155 सही जवाब है, संघ वसा की परत, ये ब्लब्बर होता है, ठीक है। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, जलालुद्दीन, देखो दोस्तों चंगेज खान ने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया था, और ख्वारिज्म वंश के शासक, वंश का नाम भी थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, लिख देता हूँ ख्वारिज्म वंश, तो ख्वारिज्म वंश के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद को कैस्पियन सागर की ओर खदेड़ दिया था, जहाँ पर 1220 में मौत हो गई थी, किसकी, अलाउद्दीन मोहम्मद की, और उसका उत्तराधिकारी कौन था, जलालुद्दीन मंगवर्नी, जो मंगोलों के आक्रमण से भयभीत होकर गजनी चला गया। चंगेज खान ने उसका पीछा किया और सिंधु नदी के तट पर उसको हरा दिया था। जलालुद्दीन सिंधु नदी को पार करके भारत आ गया, जहां उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिस, ऑप्शन बी, से सहायता मांगी थी। इल्तुतमिस ने चंगेज खान जो एक मंगोल आक्रमणकारी था उसकी शक्ति को देखकर उसके भय से जलालुद्दीन को सहायता देने से मना कर दिया था, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 157 पे आते हैं। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, रट डालना इसको, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आप रट डालना, ठीक है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। निम्न में कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है, संप्रदायवाद, प्रादेशिकता और जातीयता तीनों ही चुनौतियाँ हैं, समाजवाद चुनौती नहीं है, सामाजिक जितना ही अधिक विस्तार होगा उतना ही बेहतर रहेगा। फिलहाल निम्न में कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो जवाब क्या दोगे आप, अगर आप चुनते हो लोक लेखा प्राकलन या फिर लोक उपक्रम समिति को, तो जवाब आपका हो जाएगा गलत। सही जवाब होगा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, ये समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही जवाब भी आपको पता होना चाहिए, ये है चाइना। खैर चाइना में तो आने वाले कुछ समय में चुनाव भी नहीं होने हैं।
कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो देखो, कुनलुन, कराकुरम और हिंदू कुश तीनों ही हिमालयी श्रृंखला के अंग हैं। अरावली जो है ये हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मधुमलाई पशु विहार कहाँ पर स्थित है? फिलहाल जानते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? तो दोस्तों, इसका सही जवाब आपको बताना चाहिए, 162 सही जवाब है, हाथियों के लिए। और मधुमलाई जो पशु विहार है ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित है केरल कर्नाटक की सीमा पर, केके की सीमा पर, केरल और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है मधुमलाई पशु विहार, जो कि हाथियों के लिए जाना जाता है। और इससे कुछ ही दूरी पर एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बांदीपुर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी इससे कुछ ही दूरी पर स्थित है। तो अगर आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो जवाब देना आप कर्नाटक। बांदीपुर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में चार मठ स्थापित किए गए थे किसके द्वारा? ये क्वेश्चन अगर आया तो जवाब क्या होगा? रामानुज के द्वारा, गलत। अशोक के द्वारा, गलत। माधव विद्यारण्य के द्वारा, गलत। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, आदि शंकराचार्य के द्वारा। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहते हैं? डीएनए का जो कोडिंग होती है उसके खंड को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्सॉन। याद रखना, 164 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? 165 सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, कैल्सीफेराल, कैरोटीन और टोकोफेराल। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये प्रश्न तो नहीं आएगा, लेकिन ये प्रश्न आपको मिल सकता है अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आप पार्ट वन की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो भी ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न पर्यावरण का प्रश्न बनता है और साइंस के अंतर्गत भी ये प्रश्न बनता है। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी। कुछ मैक्स क्वेश्चन भी होंगे जो कि आपके कॉमन सेंस को, जनरल नॉलेज को इंक्रीज करेंगे, और इन प्रश्नों के उत्तर भी आप जानते रहिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा में इसका बहुत ही अधिक अर्थ निकलेगा। ये सारे क्वेश्चन शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आपके मन में आ रहा होगा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा कब तक हो सकती है? तो दोस्तों, फिलहाल तो मई जून तक उम्मीद मत रखिए, लेकिन 2020 के अंत तक ये परीक्षा आयोजित हो सकती है, संभावना है। ठीक है, अभी इसकी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, लेकिन संभावना तो है ही, क्योंकि जब पद रिक्त होंगे तो भर्ती तो होगी ही। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कि रेशम का उत्पादन किससे होता है? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या जवाब दोगे आप? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेशम कीट के लार्वा से बनता है रेशम। विधान परिषद सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सोशल साइंस, और इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल सम्राट कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सोशल साइंस, और सही जवाब इसका देना है आपको, सही जवाब है ऑप्शन ए, दैट इज जहांगीर। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था? जहांगीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जहांगीर का जो शासनकाल है वो 1605 में शुरू हुआ था, 1627 तक चला था, इतना आप याद रखना। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो 169 सही जवाब है ऑप्शन सी, ये थे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, तो इसका जवाब ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, परामर्श व्यक्ति किससे लेता है? मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। परामर्श आदमी किससे लेता है? परामर्श आदमी उससे लेता है जिस पर वो भरोसा करता है, जिससे वो प्यार करता है। 143 से संबंधित एक गाना भी आया था। एनीवे, इसका मतलब होता है कि भरोसा, आई लव यू, उससे उस लोग इसको जोड़ लेते हैं। मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, इसको आप ऐसे समझो ताकि आपको भूले ना। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 143 में जो बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को परामर्शदात्री बनाया गया है, तो अब ये आपको भूलेगा नहीं, याद रखना आप। ठीक है, भूलेगा नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑब्वियस है, मुंबई में स्थित है। बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरौनी के बारे में बात हो रही है, और इसका सही जवाब है तेल शोधन उद्योग है। बरौनी कहाँ पर है, किस प्रदेश में है, बताइए। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे? तो राम के प्रतिहार कौन थे? ये लक्ष्मण थे। तो जो प्रतिहार वंश है वो स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानता है। पूरा नाम इसका है गुर्जर प्रतिहार वंश, और इसके संस्थापक जो शासक थे उनको हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है।
वास्तविक नाम था नागभट्ट प्रथम, और नागभट्ट और ये जो प्रतिहार वंश था ये 6वीं शताब्दी से लेकर 1038 तक रहा। ठीक है, तो सारे पॉइंट जितने इंपॉर्टेंट हैं डिस्कस हो गए। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या जवाब दोगे, और इसका सही जवाब देना आप 1765 से लेकर 1772 तक। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में क्या था, तो फिलहाल आप जानते होंगे ऑप्शन बी दैट इज समाज सुधार। अब तक लोकसभा के में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं, और दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दैट इज इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है शुरू में उसमें 14 भाषाएं थी, अब बढ़कर 22 हो गई हैं। ठीक है, इसको याद रखना, और इसमें मीज़ो जो है वो शामिल नहीं है। 177 का डी सही जवाब होगा। और कौन कौन सी भाषाएं हैं अगर जानना चाहते हो तो इसके बारे में आपको बता सकता हूँ, फिलहाल मैं नाम लेता हूँ 22 भाषाओं का, आप सुनते जाइए। असमिया भाषा, उर्दू भाषा, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी और तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, बोडो, मणिपुरी और मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी, ये 22 भाषाएँ 8वीं अनुसूची में हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाअभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है, तो मुख्य न्यायाधीश तो स्वयं के खिलाफ तो करेगा नहीं, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे नहीं, मंत्रिपरिषद करता नहीं है, तो ये राष्ट्रपति हो सकते हैं, और यही इसका सही जवाब है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है, तो ऑब्वियस है इसका आंसर, और इसका आंसर क्या होगा गेस करो, और सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि उच्चतम न्यायालय को। सर्वजनीन यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कैसा देश है, कैसा देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राकृतिक प्रदेश है उसको विश्व का चिड़ियाघर कहा जाता है, ये है सवाना प्रदेश। ठीक है, याद रखना इसको। और भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है, सबसे अधिक कृषि भूमि यानी कि सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती होती है, तो ये चावल की खेती होती है। 183 का सही जवाब है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये कुर्ग में होता है, कुर्ग कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। दोस्तों कर्नाटक में 3 ऐसी प्रजातियाँ होती है काफ़ी की जिसको GI टैग मिल चुका है, ऑल ओवर कुल 5 प्रजातियाँ हैं काफ़ी की जिसको जो है GI टैग दिया जा चुका है, 5 प्रजातियों को GI टैग मिल चुका है, तो इनके नाम जान लीजिए, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कर्नाटक की एक काफ़ी है कुर्ग अरेबिका, ठीक है, कुर्ग अरेबिका को मिला हुआ है GI टैग, ये कहाँ की है, ये कर्नाटक की है। वायनाड की रोबस्टा काफ़ी, रोबस्टा काफ़ी वायनाड की है, इसको भी मिला हुआ है GI टैग। चिकमंगलूर की अरेबिका काफ़ी, चिकमंगलूर की अरेबिका काफ़ी, इसको भी GI टैग मिला हुआ है। चिकमंगलूर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। अराकू वैली की अरेबिका काफ़ी आंध्र प्रदेश, और बाबा बूंद गिरीस की अरेबिका काफ़ी कर्नाटक, ये 5 काफ़ी की प्रजातियाँ जिनको GI टैग मिला हुआ है। इसमें 3 कर्नाटक से हैं, 1 आंध्र प्रदेश से है और 1 केरल से है। ठीक है, कुर अरेबिका काफ़ी, वायनाड की रोबस्टा काफ़ी, चिकमंगलूर की अरेबिका काफ़ी, अराकू वैली की अरेबिका काफ़ी और बाबा बूंदन गिरीस की अरेबिका काफ़ी, ये 5 काफ़ी की प्रजाति है जिसको GI टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, लैकोलिथ संबंधित है किससे, लैकोलिथ ज्वालामुखी से, भूकंप से, पर्वत निर्माण से या महाद्वीपीय प्रवाह से, सही जवाब है ऑप्शन ए दैट इज ज्वालामुखी से। भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है, 186 और सही जवाब है इसका माउंट आबू। और ये हमारा अंतिम प्रश्न, भारत में जल विद्युत शक्ति गृह 1897 में कहाँ पर स्थापित किया गया था, 187 सही जवाब है इसका ऑप्शन बी दार्जिलिंग।
तो दोस्तों ये रहा आज का कुल मिला के 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी पूरी व्याख्या भी मैंने आप लोगों को दी। लगातार मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ताकि आप इस बार की शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत ही शानदार अंक लेकर उत्तीर्ण हों, और यूपी टेट और सीटेट की परीक्षा में भी आपके अंक बहुत ही बेहतर रहें। तो दोस्तों तैयारी जितनी जल्दी शुरू कर दी जाए उतनी बेहतर होती है, इसलिए हमने आप लोगों के लिए ये मॉक टेस्ट पूरी व्याख्या के साथ स्टार्ट कर दी है। इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उसको प्रेस कर देना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, और बेल आइकन जब प्रेस करोगे सबसे ऊपर ऑल लिख के आएगा उसको आप प्रेस कर देना, तो जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहो, लाइक करते रहो और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।